अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि हमने एटम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया कि एटम हमारे पास क्या होते हैं, और इस नेक्स्ट लेक्चर में हमने मेंशन किया था कि हम स्टडी करेंगे एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम मीन्स हम इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमें कैसे पता चला था कि एटम की एग्जिस्टेंस है। एविडेंस ऑफ एटम में हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम प्रूव करना चाह रहे हैं दैट एटम एग्जिस्ट। कि एटम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब एटम की एग्जिस्टेंस को मेंशन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एविडेंस ऑफ एटम का मतलब था कि हमने एटम को प्रूव करना है कि एटम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमें कैसे पता चलेगा एटम एग्जिस्ट करेगा। इसको मेंशन करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक थ्योरी मेंशन करूंगी। दिस वन इज कॉल्ड एज अ विजिबिलिटी थ्योरी। अब विजिबिलिटी थ्योरी क्या है, इसके तीन इंपॉर्टेंट पास्टुलेट हैं। हम एटम के एविडेंस को पढ़ने से पहले विजिबिलिटी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। इससे हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोई भी चीज़ हमें कब प्रूव होती है कि वो एग्जिस्ट करती है। विजिबिलिटी की थ्योरी क्या है, जैसे कि इसके नाम से मैंशन हो रहा है कि विजिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का दिखाई देना। हम इस थ्योरी में बताएंगे कि कोई भी चीज़ हमें कब नज़र आती है। विजिबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस होनी चाहिए लाइट की। हम मेंशन करते हैं कि इसको प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी के लिए। सेकंड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, के मतलब हम जिस चीज़ को देखना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी ओबेड, कि जो सब्सटेंस है या जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता हो। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हम सब जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इस चीज़ से फेमिलियर है अच्छे तरीके से कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। जैसे जस्ट लाइक कि ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है और सामने कोई पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, जैसे लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और लाइट जब ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, लाइट ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब वापस आती है, तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आई की कि अगर इंसान की आँख है तो वो ऑब्जेक्ट पर उसकी लाइट पड़ती है, मतलब हमने यहाँ पर मैंशन किया प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट मौजूद है। सेकेंड वन, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड वन, कि हमारी आंखों से जब हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रोशनी टकरा के जब वापस आती है तो इसका मतलब वो लॉ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रहा है और जो इमेज होता है वो हमारी आइज के रेटिना पे बनता है। तो यहाँ पे हमें एक प्रूव हुआ, विजिबिलिटी थ्योरी में मैंशन कर दिया है कि लाइट मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रहा है, तो वो चीज़ हमें विजिबल होगी। अब हम इन तीन पॉइंट्स के बाद आते हैं एविडेंस ऑफ एटम के बारे में, कि हमने मैंशन करना था कि एटम एग्जिस्ट करता है। अब एटम की एग्जिस्ट के लिए भी हमें इन्हीं तीन पॉइंट्स की क्लियरेंस की ज़रूरत थी। अब अगर हम मेंशन करते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको प्रूव करें कि एटम को हम किस चीज़ से देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करते हैं एटम कैन नॉट बी सीन, एटम को नहीं देखा जा सकता नेकेड आई। नेकेड आई मतलब हम एक आम आंख से तो इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उसकी मैं भी रीजन मैंशन करूँगी। सेकेंड वन, हम प्रूव करेंगे कि इसको हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक नॉर्मल जो हमारी लैब में माइक्रोस्कोप यूज़ हो रही होती है, एक आम माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते। अब उसकी रीज़न क्या है, हमने मेंशन कर दिया एटम कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, एटम कैन नॉट बी सीन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ होती है 500 नैनोमीटर, जबकि एक जो एटम है, एटम की वेवलेंथ कितनी होती है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, एटम की वेवलेंथ होती है हमारे पास 0.02 नैनोमीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट कब विजिबल है, जब उसकी वेवलेंथ माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ से मैच करती हो। जैसे हम कहते हैं, हमने यहाँ पे भी मेंशन किया कि हमें एक आम आंख से देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है, कौन सा ऑब्जेक्ट नज़र आता है, जिसकी वेवलेंथ हमारी आई की वेवलेंथ से मैच कर रही होती है वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल होता है। इसी तरह अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं और एटम की बात करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर, एटम की वेवलेंथ कितनी है 0.02 नैनोमीटर, तो हम कभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देख सकते क्योंकि ये एक बहुत स्मॉल वेवलेंथ है और माइक्रोस्कोप 500 नैनोमीटर या इससे लेस वेवलेंथ के तो कंपोनेंट्स को देख सकता है, लेकिन जैसे जस्ट लाइक हम कहते हैं 0.02 नैनोमीटर की वेवलेंथ को नहीं देख सकता। अब इसके लिए अगला क्वेश्चन था, तो फिर ऐसी कौन से कंपोनेंट है जिससे हम एटम को देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एटम्स कैन बी सीन बाय
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्या चेंज था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या सिंपल माइक्रोस्कोप में कि सिंपल माइक्रोस्कोप से तो हम एक एटम को देख नहीं सक रहे थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम को विजिबल, या एटम हमारे लिए विजिबल है। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या यूज़ होता है, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट, ये जो आम रोशनी होती है हमारे पास, हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, बीम ऑफ हाई इनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होता है, बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 0.02 नैनोमीटर। यहाँ पे हमारे पास है बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आ रही है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.02 नैनोमीटर। अब आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी इसको थोड़ा सा, कि जैसे हमने यहाँ पे, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि विजिबिलिटी थ्योरी की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि हमने यहाँ पे रखी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इससे क्या होगी, बीम ऑफ, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है, ये सपोज कर लें कि सामने हमारे पास क्या है, एटम है। वैसे तो एटम बहुत स्मॉल होता है, ये जस्ट हम एक सपोज कंडीशन मेंशन कर रहे हैं कि जस्ट सपोज कर लें एटम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पे जब वो वापस रिफ्लेक्ट होंगी तो इसका मतलब है वो किसको ओबे कर रही हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रही हैं, तो एटम हमारे लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम विल बी विजिबल। स्टॉप करना। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम विजिबल हो गया, इसको हमने मेंशन कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ थी वो एटम की वेवलेंथ से कहीं ना कहीं, डायमीटर या उसका जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे से सिमिलर थी, मैच करती थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम हमारे पास विजिबल था। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कब प्रूव किया गया, सबसे पहले एक पीस ऑफ ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, और जो पीस ऑफ ग्रेफाइट थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जरिए, मतलब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि सबसे पहले एक पीस ऑफ ग्रेफाइट को हमने किससे देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो हमारे पास क्या बना, इमेज बना, उस इमेज को कितने टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स क्या किया गया, 15 मिलियन टाइम्स जब हमने मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई मीन हमने उसको बड़ा करके दिखाया, तो एक ऐसा इमेज बन रहा था जिसमें डार्क बैंड से और वाइट बैंड से। अब जैसे अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगी आपको थोड़ी सी क्लियर करने के लिए, आप सिंपल एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में जहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पोर्शन हमें ब्राइट सा नज़र आ रहा होता है, और जो बाकी पोर्शन होता है वो हमें डार्क नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे भी कुछ आप माइंड में इमेजिनेशन ला सकते हैं कि जो इमेज बना था जिसको हमने 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया था, उसमें भी कुछ एक्सरे टाइप का इमेज था, जिसमें जो हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये जो हमारे पास डार्क बैंड्स थे ये किसको मेंशन कर रहे थे, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस, और जो वाइट ब्राइट बैंड्स थे, मतलब जो ब्लैक जगह थी या ब्राइट जगह थी, ब्राइट बैंड थे, वो किसको मेंशन कर रहे थे, लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम की लेयर को मेंशन कर रहे थे। उसके बाद फर्दर स्टडी से हमें पता चल गया, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, ये एक कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है इसमें कार्बन एटम किस फॉर्म में होते हैं, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, ये किस फॉर्म में होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो बहुत पहले इसको एक्सप्लेन किया गया था बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि जब हमने पीस ऑफ ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा, उससे जो इमेज बना उसको 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया गया, तो हमारे पास ब्राइट और डार्क बैंड नजर आए, जो ब्राइट बैंड से वो किसको मेंशन कर रहे थे, कार्बन एटम की लेयर्स को मेंशन कर रहे थे, और जो डार्क बैंड से वो किसको मेंशन कर रहे थे, एम्प्टी स्पेसेस को मेंशन कर रहे थे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा मेंशन करूँ कि कार्बन एटम जो है वो लेयर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, ये हमारे पास ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे जो इसका लास्ट पॉइंट है, कंक्लूजन है, कि इस पूरे कंक्लूजन से या इस पूरे एविडेंस से हमें क्या प्रूव हुआ था बाद में, मतलब ये तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा, लास्ट में एक्सरे स्टडीज ने क्या प्रूव किया था, मैसेज ऑफ एटम, एक्सरे स्टडी के जरिए
एटम के मैसेज को एक्सप्लेन किया गया कि एटम के मैसेज जो होते हैं उनकी रेंज क्या होती है। इनकी रेंज होती है 10^-27 टू 10^-25 केजी। के मैस को मेंशन किया गया था किलोग्राम के यूनिट में और उसकी रेंज क्या होती है 10^-27 टू -25। और बाज़ औक़ात या अक्सर हम इसके लिए जो यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं वो किसके इक्वल होता है, दैट वन इज़ अ एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डिफाइन मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में मेंशन करूंगी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। बेसिकली मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि एटॉमिक मास यूनिट होता है कार्बन का 1/12 पार्ट। ये आगे मैं ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगी एटॉमिक मास यूनिट को। इन शॉर्ट के मैसेज ऑफ एटम को एक्सेस स्टडी में रिवील किया गया कि 10^-27 से -25 केजी तक की रेंज होती है। और बाज़ औक़ात हम मैसेज के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं, बल्कि मोस्टली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया था, फिर हमें एक्सेस स्टडी ने रिवील किया कि एक एटम का डायमीटर, डायमीटर ऑफ एटम कितना होता है, डायमीटर ऑफ एटम होता है 0.2 नैनोमीटर। और इसके अलावा 2 नैनोमीटर के अलावा अगर हम देखें दैट इज़ इक्वल टू 2×10^-9 मीटर या एंगस्ट्रॉम में हम कह सकते हैं, या -10 डिग्री एंगस्ट्रॉम में। ये हमारे पास इसका कंक्लूजन है। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया जाता है कि अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक को देखें कि इवन जो एक स्मॉल फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप भी इस तरह से कि अगर हम दूर से लाके जस्ट एक स्मॉल ड्रॉप ड्रा करते हैं, इसमें भी ट्रिलियंस के हिसाब से एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट माइंड में ला सकते हैं कि एटम कितना स्मॉल पार्टिकल है कि एक स्मॉल फुल स्टॉप में भी ट्रिलियंस मिलियन के हिसाब से इसमें एटम मौजूद होते हैं। तो इन शॉर्ट अब अगर हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, हमारा आज का लेक्चर था एविडेंस ऑफ एटम के अकॉर्डिंग। एविडेंस ऑफ एटम मीन्स हम एटम को प्रूव करना चाह रहे थे कि एटम एग्जिस्ट करता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको शॉर्टली कॉन्सेप्ट दिया विजिबिलिटी थ्योरी का। विजिबिलिटी थ्योरी क्या होती है कि लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर हम एक आम आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रोशनी उससे टकरा के जब हमारी आंख के रेटिना पे वापस आए तो जो इमेज बनता है, इसका मतलब है कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रहा है। ये आगे हम फर्दर लेक्चर में इस चीज़ को आगे साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा और जो इमेज बनता है हमारे लिए चीज़ विजिबल हो जाती है। अब इस चीज़ को, इसी विजिबिलिटी थ्योरी को हमने एक्सप्लेन करने के लिए साथ मेंशन किया कि एटम को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, मतलब हम एक आम आंख से नहीं देख सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम देखने के लिए एक आम रोशनी विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं, उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर में होती है और एटम की जो वेवलेंथ होती है वो 0.02 नैनोमीटर की रेंज में होती है। दोनों की वेवलेंथ में, ये एक लार्ज वेवलेंथ है, ये एक बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है, और किसी भी चीज़ को विजिबल करने के लिए एटलीस्ट दोनों की वेवलेंथ में कहीं ना कहीं मैचिंग होनी चाहिए। फिर हमने मेंशन किया कि एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता था। अब अगला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्यों देखा जा सकता है। रीज़न, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या बेसिक चीज़ जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है कि हम इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी 0.02 नैनोमीटर की रेंज में, और जैसे कि डायमीटर जो एटम का है वो भी इतना है, 0.02 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम से टकराते हैं तो वापस जो है एक इमेज बनता है, और जो इमेज बनता है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ या जो एटम हम देखना चाह रहे हैं वो हमारे लिए विजिबल है। इसको एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले प्रूव कैसे किया गया कि एक पीस ऑफ ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, उससे जो इमेज बना उसको 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके जब देखा गया तो हमारे पास डार्क और ब्राइट बैंड्स नजर आए। जो डार्क बैंड्स थे वो किसको मेंशन कर रहे थे, एम्प्टी स्पेसेस को, और जो ब्राइट बैंड्स थे वो किसको मेंशन कर रहे थे कि वहाँ पे कार्बन एटम की लेयर्स हैं। और लास्ट में एक्सरे स्टडी ने कंक्लूड क्या किया था, एक्सरे स्टडी ने ये रिवील किया कि जो एटम के मैसेज होते हैं वो 10^-27 से 25 केजी तक होते हैं। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में भी मेंशन करते हैं, और एटम का डायमीटर क्या होता है, 0.2 नैनोमीटर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था कि एक फुल स्टॉप जो होता है, इवन एक स्मॉल फुल स्टॉप, जस्ट लाइक आप ऐसे एक डॉट ड्रा कर दें, उसमें मिलियंस के हिसाब से एटम मौजूद होते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसने हमने एटम्स को पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि एटम का एविडेंस क्या था। आई होप आपको इस लेक्चर में जितनी भी टॉपिक होंगे वो पूरी तरह से, जितने भी पॉइंट्स हैं, क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूल को ब्रीफली स्टडी करेंगे। थैंक यू।